मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ किला। कभी इस किले को लेकर महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में जंग हुआ करती थी। अब यह जंग महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच में हो रही है। लोकतंत्र के आने के बाद राजशाही तो खत्म हो गई है, लेकिन परंपराएं अभी भी जिंदा है। उन्हीं परंपराओं ने महाराणा प्रताप के वंशजों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। चित्तौड़गढ़ किले और उदयपुर की रियासत का असली अधिकारी कौन है, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई है। राज परिवार के बड़े बेटे और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का 25 नवंबर को राज्याभिषेक हुआ। पगड़ी दस्तूर की ये रस्म चित्तौड़गढ़ के फतेह प्रकाश महल में निभाई गई। इस दौरान खून से उनका तिलक किया गया, साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी गई। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ के 77वें महाराणा बने। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इस रस्म को गैर कानूनी करार दिया है। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ उदयपुर के सिटी पैलेस में धूनी माता के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन सिटी पैलेस के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस वजह से पुलिस और विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ दिए और पैलेस के अंदर जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। वहीं दूसरे पक्ष के समर्थक भी वहां आ गए और फिर दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई और राज परिवार की संपत्ति का ये विवाद सड़क तक पहुंच गया। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन आखिर इतने बड़े राजघराने के वंशज आमने सामने क्यों हैं? कहानी शुरू होती है 1983 से। उदयपुर के आखिरी महाराणा भगवत सिंह ने 1963 से 1983 तक राजघराने की कई प्रॉपर्टी को लीज पर दे दिया, तो कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बेच दी गई। इसमें लेक पैलेस, जग निवास, जग मंदिर, फतेह प्रकाश, शिव निवास, गार्डन होटल, सिटी पैलेस, म्यूजियम जैसे बेशकीमती प्रॉपर्टी शामिल थी। ये सभी प्रॉपर्टी राजघराने की एक कंपनी को ट्रांसफर हो गई थी और यहाँ से शुरू हुआ विवाद। पिता के फैसले से नाराज होकर महेंद्र सिंह मेवाड़ ने 1983 में भगवत सिंह के ऊपर कोर्ट में केस फाइल कर दिया। महेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि रूल ऑफ प्रोमोजेनिचर प्रथा को छोड़कर पैतृक संपत्तियों को सब में बराबर बांट दिया जाए, यानी जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा होगा वो ही राजा बनेगा। अपने बेटे के केस फाइल करने के बाद भगवत सिंह नाराज हो गए और महेंद्र सिंह मेवाड़ को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और अपनी वसीयत में संपत्तियों का एग्जीक्यूटर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को बना दिया। 41 साल हो गए हैं तब से ये विवाद चल रहा है। 10 नवंबर को महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। उसके बाद 25 नवंबर को विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक किया गया। ऐसे में चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के रहते हुए उनके भतीजे विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज्याभिषेक होना बड़ी बात है। हालांकि जिला प्रशासन दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रहा है। कुर्की का नोटिस सिटी पैलेस के गेट पर लगाया गया है, जिसमें पत्थरबाजी का भी जिक्र है। जिला प्रशासन से कार्रवाई के आश्वासन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने अपने समर्थकों से बात की और बिना धूनी के दर्शन किए वापस अपने निवास समोर बाग लौट गए। इतने बड़े राज परिवार का ये विवाद कब हल होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।